Hello student, good morning. Today we are discussing civics first chapter, power sharing. In this chapter we are discussing about the power sharing, what is power sharing, how many forms of power sharing, why power sharing is necessary with the example of two countries, Belgium and Sri Lanka. The chapter starts with the story of Belgium. Belgium is a small European country. Its geographical area is smaller than Haryana. तो हरियाणा से भी छोटा है इसका geographical area. तो country आप idea लगा सकते हैं small ही है. But the ethnic composition of this small country is very complex. लेकिन जो इस small country है इसकी ethnic composition है वो बहुत ही complex है. What is ethnic composition? Ethnic composition है क्या? Ethnic composition, ethnicity is a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history or society. Ethnicity क्या है? A group of people, ऐसे लोगों का समूह जिसमें similarities होती हैं, वो similarity चाहे culture को लेकर हो, language को लेकर हो, history को लेकर हो या society को लेकर हो. It means ऐसे लोग जो किसी एक ही culture से belong करते हो या एक जैसी language बोलते हो या उनका background यानी history same हो या एक ही society में रहते हो. अब हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन कैसी है? इन बेल्जियम 59% पीपल स्पीक डच, 40% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 1% पीपल स्पीक जर्मन. यानी बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. अपोजिट टू इट इन ब्रुसेल्स विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, इसके बिल्कुल अलग ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच. अब बेल्जियम में जो है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स जो कम्युनिटीज थी उनमें टेंशन के रीजंस क्या थे, यानी किस कारण उसमें टेंशन क्रिएट हुई. तो रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच क्या थे हम देखेंगे. द मिनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. मिनोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, मिनोरिटी में आपको पता 40% है, वॉज रिलेटिवली, लेकिन मिनोरिटी में है, संख्या कम है, लेकिन ये क्या है? रिच है और पावरफुल है. दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री. इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो नाराज थी. क्यों थी? क्योंकि दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैं और एजुकेशन, उनका बेनिफिट जो है फ्रेंच स्पीकर को मिलता था. रीजन ये कि वो क्या है, रिच है और पावरफुल है. दिस क्रिएटेड टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 एंड 1960. इससे क्या हुआ, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज दोनों में टेंशन क्रिएट हुई. अब इस टेंशन को शॉर्ट आउट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने अकोमोडेशन किए जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें. बिटवीन 1917 एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स एंड केम अप विद द न्यू मॉडल ऑफ रन मॉडल टू रन द गवर्नमेंट. 1917 से 1993 तक बेल्जियन जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फोर टाइम जो है उसमें अकोमोडेशन किए. अब क्या थे, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स बेल्जियम मॉडल्स अकोमोडेशन हैड डन, कितनी बार हुआ था अकोमोडेशन, फोर टाइम्स हुआ था. अब इसमें उन्होंने एक न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक न्यू मॉडल बनाया गवर्नमेंट को चलाने के लिए. तो अमेंडमेंट भी जो है वो फोर ही किए गए थे और फोर टाइम्स हुआ था. फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल. कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेस्क्राइब किया गया कि सेंटर में फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या जो है इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी.
The स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी. सबऑर्डिनेट यानी अधीनिस्ट, यानी मीन्स होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट, सब तो वो नहीं होगा. स्टेट गवर्नमेंट है देयर ओन राइट. स्टेट गवर्नमेंट के अपने अधिकार होंगे, अपने जो है उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनकी अपनी पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है. ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रसेल्स में क्या हुआ कि एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज के जो लोग हैं या कम्युनिटीज हैं उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी. फोर्थ आपका है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. तीसरी तरह की गवर्नमेंट और बनाई गई जिसे कहा गया विच इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एक लैंग्वेज यानी वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, उनके द्वारा जो है ये इलेक्ट की जाएगी. और इस गवर्नमेंट का काम, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, इसको पावर दी गई रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू. यानी कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उस पर लॉ बनाने का, उसको शॉर्ट आउट करने की पावर किसको दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट को. तो यहाँ आप देख रहे हैं बेल्जियम में अकोमोडेशन 4 times हुए और 4 ही अकोमोडेशन हुए हैं, 4 ही सुधार किए गए थे. पहला सेंट्रल में दो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर जो हैं वो इक्वल होंगे. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी. ब्रसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें फिर बहुत कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट कौन सी बनाएगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो इलेक्ट की जाएगी वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो किसी डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो. और इस गवर्नमेंट को पावर दी गई रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए और उस पर लॉ बनाने के लिए. द बेल्जियम मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफी बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी. बेल्जियम मॉडल कॉम्प्लिकेटेड तो था पर इसने क्या किया कि दोनों जो मेजर कम्युनिटीज हैं यानी डच और फ्रेंच है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोक दिया. क्योंकि उन्होंने क्या किया, दोनों को पावर दे दी, चाहे वो डच है या फ्रेंच है, दोनों को सेम पावर दी. सेंट्रल में भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया, बिल्कुल फ्री कर दिया, सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के. एक थर्ड काइंड क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थर्ड लेवल पे उन्होंने बना दी जिसको भी अपने अलग से राइट्स दिए गए. इससे क्या हुआ कि सब में बैलेंस हो गया, पावर का बैलेंस हो गया. तो इससे क्या हुआ कि सिविल जो वॉर हो जाते हैं कंट्रीज में वो होने की जो चांसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं. हमारे इंडिया में भी सेम ही क्वेश्चन बेटा यहाँ ये भी आ जाता है कि वॉट इज द डिफरेंस एंड वॉट इज द कॉमन बिटवीन द बेल्जियम मॉडल एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और बेल्जियम मॉडल में डिफरेंसेस क्या है और कॉमन क्या है. तो कॉमन आपको पता है कि हमारे यहाँ भी 3 tier सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. बेल्जियम में भी 3 tier ही हो गया, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया. वहाँ भी हमारे भी यहाँ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है. सेम जो है बेल्जियम में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है सब एक दूसरे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट नहीं है. सबको अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं. तो अगर सिमिलैरिटी पूछ लेते हैं वो तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो. डिफरेंस एक ही है कि हमारे यहाँ पहले जो अब नहीं है, ये आपको मेंशन कर देना है कि पहले जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो है या जैसे हमारे यहाँ जो यूनियन यूटीज हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, बेल्जियम में वो क्या है सीधा सेंट्रल के अंडर आते हैं. बट बेल्जियम में इस तरह के जो है स्टेट यूनियन टेरिटरीज नहीं है. तो ये थोड़ा एक डिफरेंस आता है इसमें. नाउ We begin to the story of Sri Lanka. अब story of Sri Lanka. It is an island nation having a population of 2 crore. ये एक island nation है. Population इसकी 2 crore है, यानी ये भी छोटी ही है country.
अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, यानी इसकी पॉपुलेशन हरियाणा की जितनी है। श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, श्रीलंका में क्या है जो पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन देखिए, श्रीलंका में सिंहला स्पीकर्स हैं और तमिल स्पीकर्स हैं, यानी सिंहला जो उनकी भाषा है, सिंहला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर। सिंहला स्पीकर्स हैं 74%, यानी टोटल पॉपुलेशन के 74% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, सिंहला बोलते हैं, और बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तमिल स्पीकर्स हैं 18%, यानी 18% हैं तमिल स्पीकर्स। अब इसके भी दो सब ग्रुप्स हैं, तमिल स्पीकर्स में भी श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स जो है 13% हैं और इंडियन तमिल्स हैं वो 5% हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो है बुद्धिज्म और क्रिश्चियंस दोनों रिलीजन फॉलो करते हैं, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं। इंडियन तमिल हैं 5%, और जो अदर्स हैं 8% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जो बोन वो आर बोथ तमिल एंड सिंहलाज, वो जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंहलाज भी बोलते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका क्या हुई, 74% जो है सिंहलाज बोलते हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और तमिल स्पीकर्स हैं जिनको दो सब ग्रुप में बांटा गया है, श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स 18% हैं, 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। और इंडियन तमिल्स कौन से हैं, जो कॉलोनियल टाइम में जिन्हें वहां ले जाया गया था वो थे ये इंडियन तमिल्स। मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में मेजोरिटेनिज्म क्या था, मेजोरिटेनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद, हिंदी में आप बोल देते हैं बहुसंख्यकवाद, यानी ऐसा अ बिलीफ इन विच मेजोरिटीज पीपल थिंक दे आर रूल्ड ऑन द मिनोरिटी वॉट एवर वे दे वॉन्ट, यानी जो मेजोरिटी पीपल हैं जिसमें ये सोचते हैं कि वो मिनोरिटी पे उनकी इच्छाओं को उनकी फीलिंग्स को दबाकर जो है अपनी तरह से रूल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मेजोरिटीनिज्म। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर टू स्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। अब जो वहां की गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उसने क्या किया कि मेजोरिटेरियन को फॉलो किया, यानी जो भी पॉलिसी बनाई उसमें सब में जो है सिंहला सुप्रीमेसी को दिखाया। अब क्या क्या उन्होंने किया, सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजिशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिसी जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी यानी सिंहला स्पीकर को जो है प्रेफरेंस दी गई कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं या यूनिवर्सिटी पोजिशन है उसमें सिंहलाज को पहले प्रेफरेंस दिए जाएगी, बाद में तमिल्स को। थर्ड उन्होंने क्या किया, स्टेट प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा। दिस डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियंसन अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब इससे क्या हुआ कि इस डिसीजन ने श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनमें जो एलिनेशन की फीलिंग जो है वो उसको इंक्रीज किया, यानी कि उन्हें लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है वो सिंहलाज को ही प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हीं को प्रेफरेंस दे रही है, तो उनका क्या हो रहा है कि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी फीलिंग्स उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, वो नेचुरली है वो विद्रोह करेंगे, उन्होंने स्ट्रगल्स किए, पार्टीज बनाना शुरू किया कि तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्निशन मिले और रीजनल ऑटोनॉमी है, क्योंकि वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केवल बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो पोजीशंस हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल्स, क्योंकि श्रीलंका में क्या है वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, सिंहलाज को, तो तमिल तो अपने आप ही नेग्लेक्ट हो रहे हैं।
तो तमिल भी चाहते हैं कि हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, जो भी यूनिवर्सिटी पोजीशन है उसमें क्यों हम उनको प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है, क्यों सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बुद्धिज्म को क्यों स्टेट प्रोटेक्ट करा है, बाकी जो है वो भी तो श्रीलंकन ही है, तो उनकी उनकी लैंग्वेज को यानी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया गया, और उनको अपॉर्चुनिटी जो है जॉब की या एजुकेशन की इक्वल क्यों नहीं दी जा रही। तो ये रीजन हुआ कि वहां जो है स्ट्रगल होना शुरू हो गया। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। यानी बाय 1918 तक जो है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गए थे वर फॉर्म, जो डिमांड कर रहे थे एक अलग तमिल एलम की। ये क्वेश्चन आता है उसमें 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं एलम, व्हाट इज एलम पूछ लेते हैं। तो एलम क्या है, स्टेट ही है, तमिल स्टेट के लिए जो भी वर्ड यूज किया गया एलम। यानी तमिल जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में, श्रीलंका के नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में एक अपने अलग स्टेट की मांग करना शुरू कर दिया, यानी तमिल एलम की मांग करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने ये मांग की तो गवर्नमेंट जो है डिनाइड देयर डिमांड्स अगेन एंड अगेन। गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी डिमांड्स को बार बार डिनाइड कर दिया, मना करना शुरू किया है। इससे क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। ये सब किस में चेंज हो गया, सिविल वॉर में। यानी क्या होता है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया तमिल ने कि हम सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट के आगे अपनी डिमांड्स रखेंगे कि या तो हमें अपना नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका में एक अलग तमिल एलम दे दिया जाए, हमारी लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस दी जाए और जो है अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिले। तो जब उन्होंने डिमांड रखी बार 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 हर बार क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को नेगलेक्ट कर दिया, डिनाइड कर दिया, तो फिर प्रोटेस्ट जो क्या है वायलेंट हो जाता है। तो वही रीजन हुआ कि इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर। तो किस में टर्न हो गया, ये सिविल वॉर में टर्न हो गया। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों ही कम्युनिटी के हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लिविंग गुड्स। बहुत सारे लोगों को अपनी कंट्री को छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ा, उन्हें अपनी कोई भी लिविंग गुड्स यानी जीविका का कोई साधन ही नहीं था। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 एंड कॉज ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। 2009 यानी 2009 में जाकर ये सिविल वॉर खत्म हुआ, जिससे सोशल कल्चर इकोनॉमिक जो लाइफ है कंट्री की उस वो बहुत ही पीछे चली गई है। आपको पता ही है कि कोई भी युद्ध हो चाहे सिविल है चाहे बाहर का है तो कंट्री को लॉस होता ही है और हर तरह से होता है, इकोनॉमिकली भी और कल्चरल भी और सोशल भी। तो ये सिविल वॉर का जो इम्पैक्ट था श्रीलंका पर वो था। रीजन आपको समझ में आया गया होगा कि क्या था रीजन, कि यहाँ पावर शेयरिंग नहीं की उन्होंने, उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को प्रेफरेंस दी। तो तमिल जो है वो कैसा महसूस करने लगे, एनियंशन जो है वो अलग अलगाव महसूस करने लगे। डेट इज द रीजन कि ये जो है सिविल वॉर यहाँ हुआ, जो कि बेल्जियम में नहीं हुआ था। बेल्जियम के जो अकोमोडेशन थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, बट उन्होंने क्या किया कि देखो एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम बेल्जियम की भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है जितनी की श्रीलंका की है, बट बेल्जियम ने जो है वो मिडल वे यानी बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल जो है राइट्स दिए, उनको इक्वल रखा। यहाँ क्या हुआ कि सिहलास को सुपरमेसी दे दी गई और रीजन हुआ सिविल वॉर, जिसका नुकसान दोनों ही कम्युनिटीज को उठाना पड़ा और साथ में कंट्री को तो उठाना ही था। व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब आप श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी से आपने क्या सीखा। बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक है लेकिन पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को इन्होंने अपनी अपनी तरह से अपनाया, यानी दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, वहां पावर शेयरिंग में जो है इक्वल वो दिया गया था और यहाँ श्रीलंका में जो है मेजोरिटी ने इनको प्रेफरेंस दी गई थी। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज द
There, the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and religion. Belgium में leaders को ये realize हो चुका था कि country की unity तभी possible होगी जब हम हर community और हर religions के लोगों की feelings और interest की respect करेंगे. This resulted in म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. तो इसका रिजल्ट था कि उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए जो सबने एक्सेप्ट किए पावर शेयरिंग के, कि इस तरह से पावर शेयर की जाए कि किसी को भी कोई किसी भी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो. श्रीलंका शोज दैट इट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वॉन्ट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. यहाँ श्रीलंका ने क्या दिखाया कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी, श्रीलंका से हम क्या सीखते हैं कि अगर एक मेजोरिटी कम्युनिटी चाहती यानी फोर्सली वो अपना डोमिनेंस जो है दूसरों पर लगाना चाहती है तो और पावर शेयरिंग को रिफ्यूज करती है तो इससे क्या होता है कंट्री जो है कंट्री की जो यूनिटी है वो अंडरमाइन यानी वो खतरे में आ जाती है. अब हम पढ़ेंगे व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, मतलब कि क्यों होनी चाहिए पावर शेयरिंग. वैसे तो आपको स्टोरी से कुछ ना कुछ समझ आ ही गया होगा थोड़ा बहुत. पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी टू कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट यानी विवाद की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है बिटवीन सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप्स में एग्जांपल आपके पास है बेल्जियम का कि वहाँ पावर शेयरिंग थी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, सिविल वॉर नहीं हुआ. श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी तो वहाँ सिविल वॉर हुआ. पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट है मेन पावर शेयरिंग, क्योंकि जहाँ पावर शेयरिंग नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी के कोई वैल्यू नहीं रह जाती. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those who have to live its effects. People have a right to be consulted on how they are be governed. Democratic rule में क्या है कि लोगों के पास कोई भी democratic country है उसमें कोई भी जो काम एक्सेस कुछ भी काम होता है लोग उससे affect होते हैं और लोगों को भी ये right होता है कि जैसे वो गवर्न किए जा रहे हैं यानी जैसे उन पर शासन चला जा रहा है तो उसमें कोई ना कोई वो सुधार कर सके या उसमें क्या मतलब अगर उन्हें नहीं पसंद आ रहा है तो उनकी अपनी एक वॉइस है उसके अगेंस्ट जाने की या उसमें कोई भी इम्प्लीमेंट करवाने की. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकेंड मॉरल. अब पावर शेयरिंग जो है क्यों होनी चाहिए, इसके दो रीजन है बेटा, प्रूडेंशियल रीजन एंड जो है मॉरल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन, द प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम. प्रूडेंशियल रीजन किस पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग, पावर शेयरिंग से आउटकम जो बेटर आउटकम आए. वेयर आज द मॉरल रीजन एम्फसाइज द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल. जहां मॉरल रीजन का काम है इस बात पर जोर देता है कि पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल यानी कि वैल्यूएबली पावर शेयरिंग कितनी अच्छी है. यानी आप देख ले प्रूडेंशियल रीजन जो है आउटकम्स कितने बेटर आते हैं इस पर जोर देता है और जो मॉरल रीजन है वो वैल्यू यानी कितनी वैल्यूएबल है पावर शेयरिंग इस पर जोर देता है. अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है वो हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के किस किस फॉर्म में होती है. तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग पावर डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री. अधिकतर जो है पहले जैसा कि पास्ट में भी हमारे में होता था कि हम ये सोचते हैं कि पावर शेयरिंग मतलब डिवाइडिंग पावर और पावर जब डिवाइड हो जाती है तो ये क्या करती है कि कंट्री को वीक करती है, ऐसी थिंकिंग थी. द सिमिलर थिंग वॉज बिलीव इन द पास्ट. सेम यही पास्ट में होता था कि इट वॉज एज्यूम दैट ऑल द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड
इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। तो क्या होता था, पहले राजा होते थे, पूरी पावर किसके पास है, राजा के पास है, या जो भी उसका वो मंत्रिमंडल है जो उसके पास है, मंत्रियों के पास है, क्योंकि पावर सबको तो नहीं दी होती थी उस टाइम में। इनका ऐसा मानना था कि अगर पावर डिवाइड हो जाएगी तो अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन, कि जब कोई अचानक से कोई डिसीजन लेना होगा तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पावर डिवाइड होगी इट मीन्स क्या है, अगर पावर डिवाइड है तो आपको सबका सजेशन लेना है, फिर उसका कंक्लूजन निकलेगा, तब जाके कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो उस समय में ऐसा समझते थे लोग कि पावर अगर एक के हाथ में है या एक ग्रुप के हाथ में, तो इट इज बेटर देन द पावर डिवाइडेड इंटू द अनदर ग्रुप्स और पीपल्स एक्सेट्रा, यानी कि अगर पावर्स को सेंट्रलाइज ही रखा जाए तो ज्यादा बेटर है। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द अमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये जो रूल्स हैं, ये जो विचार हैं, जैसे जैसे डेमोक्रेसी सामने आई, ये सारे चेंज हुए। नोशंस हैव चेंज विद द अमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये सारे जो नोशंस थे कि भाई जो पावर है सेंट्रलाइज होनी चाहिए, पावर का डिवीजन नहीं होना चाहिए वरना कंट्री जो है वीक हो जाती है, तो ये सब धीरे धीरे ये जो नेशंस हैं वो चेंज होने लगे। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो है खुद ही रूल्स करते हैं, ये आपने पढ़ा है 9th में, कि पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चलाने में उनका हाथ होता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस हमारे आपको पता है, जिनको हम ऑर्गेन्स भी बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जितनी भी पब्लिक पॉलिसी है उनको शेप करने में जो है हर किसी के पास अपना एक राइट है, यानी इट मींस दैट कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी है वो अगर हमारे फेवर में है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, अगर फेवर में नहीं है या किसी को उससे नुकसान है या कुछ है तो उसके पास अपने राइट्स हैं कि वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो कर सकता है। देयरफॉर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन। इसलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पावर है वो सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सिटीजन्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि पॉलिटिकल पावर्स है, हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, और वो जाकर जो है सेंट्रल में जो गवर्नमेंट में है वही जो रिप्रेजेंटेटिव है जाके गवर्नमेंट को रन करते हैं, चलाते हैं। तो हमारे जो इश्यूज हैं या हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट तक जो जाती है, और वहाँ उस पर जो है कंसर्न होता है, उस पर डिस्कशन होती है। तो कहीं इनडायरेक्टली जो है हम गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, क्योंकि एक देखो हमारे पास ये भी सब्स्टिट्यूट होता है कि हमें गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया, यानी पूरी जो पब्लिक है उसको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया, तो क्या करेंगे आफ्टर द 5 ईयर्स कि हम उस पार्टी को नहीं वोट देंगे। तो पार्टी को भी एक डर रहता है कि अगर वो भी पब्लिक इंटरेस्ट से काम नहीं करेगी या पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगर उसने काम नहीं किया तो नेक्स्ट जो आएंगे इलेक्शन उसमें लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो दैट पार्टी कैन नॉट बी एबल टू रन द गवर्नमेंट, यानी वो इलेक्शन में भी नहीं करेगी तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगी। तो डेमोक्रेसी में जरूरी हो जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना वहाँ जरूरी है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब डेमोक्रेसी में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि मैं यहाँ एक डायग्राम बना के आपको बताती हूँ कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, दो, एक तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा हो गया वर्टिकल। ये याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लिए, होरिजेंटल जो है पावर, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि होरिजेंटल में जो पावर है वो डिवाइड होती है ऑर्गेन्स में, बस इतना यहाँ देखे तो आपको ध्यान रहेगा, होरिजेंटल में पावर जो है डिवाइड हो रही है ऑर्गेन्स में। ऑर्गेन्स आपको पता है आपके, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, और वर्टिकल में जो है पावर डिवाइडेड होती है लेवल्स में। लेवल्स कौन से हो गए, सेंटर,
स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल में ऑर्गेन्स में पावर डिवाइड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और वर्टिकल में लेवल्स में डिवाइडेड होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। अब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी तीनों क्या है, ये वैसे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बट क्या करेंगे कि एक दूसरे को बट ये चेक करते हैं। चेक क्यों, कि कोई भी अनलिमिटेड पावर को यूज ना कर सके, यानी जो इनको राइट्स दिए गए हैं वही हो, अनलिमिटेड पावर कोई भी जो ऑर्गेन्स है वो यूज ना कर सके, इसलिए एक दूसरे को ये चेक करते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं। यहाँ देखिए वर्टिकल पावर्स में क्या, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवाइडेड है। पावर मतलब इनको सबको अपने अपने इनकम के सोर्सेज भी अलग हैं, इनके राइट्स भी अलग हैं कि कौन सा, जैसे सेंटर किस किस पर काम करेगा। जैसे सेंटर का काम बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये सब सेंटर के अंडर आते हैं, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी मैं। स्टेट किस पे काम करेगा, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब स्टेट के अंडर आते हैं, और अब इनके लिए इनकम के सोर्सेज भी अलग किए हुए हैं। लोकल जो गवर्नमेंट है उसके भी अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने काम है। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट है सब, और ये भी ऑर्गेन्स भी और लेवल्स भी, सबके अपने अपने राइट्स हैं, सबके अपने अपने इनकम के सोर्सेज अलग अलग हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट दे चेक ईच अदर, और एक दूसरे को चेक करते हैं ताकि कोई भी लेवल या कोई भी ऑर्गेन अनलिमिटेड पावर को मतलब अनलिमिटेड पावर यूज ना कर सके, क्योंकि भाई उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है कि पावर को सही तरह से, जो उनको राइट्स दिए हैं, जब उनको पावर दिया उसको सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लोगों के वेलफेयर के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये था पावर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। सिंपल से याद रख लेना, हॉरिजेंटल में क्या है, ऑर्गेन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, और वर्टिकल में क्या है, पावर जो है सेंट्रल, स्टेट और लोकल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसी सिस्टम को, जब पावर जो है लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, यानी फेडरल गवर्नमेंट। ये जो हम फेडरलिज्म नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसका, उसमें पढ़ेंगे, तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में जो है लेवल्स में ये पावर्स का डिवाइड हो जाना। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। फोर टाइप से पावर शेयरिंग होती है, चार तरह से हो सकती है। पहला मैंने आपको बताया था, पावर शेयर होगी किसमें, ऑर्गेन्स में, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा हो गया आपका, पावर शेयर हो रही है किसमें, लेवल्स में, जिसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा है पावर में शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को शेयर जो है शेयर करना। अब ये ग्रुप्स क्या, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे ये, तो उसमें क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट में किसी भी ग्रुप, जिस भी ग्रुप से वो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, चाहे वो डच है, फ्रेंच है, ठीक है, या जर्मन है, तो उनको भी एक पावर दी गई थी कि आप एजुकेशनल या कल्चर जो भी इश्यूज हैं उस पे उनको राइट दे, जो भी डिस्ट्रीब्यूट को शॉर्ट आउट करने के लिए या लॉ बनाने का अधिकार उसको दिया गया था। तो इसे बोलते हैं कि पावर को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग जो है सोशल ग्रुप्स में। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने आपको बता दिया। तीसरा होता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग होती है, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग हुई थी। फोर्थ में है पावर शेयरिंग का एक अरेंजमेंट ये भी होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं उसमें पावर शेयरिंग। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वैसे तो, ये इनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती, बट दे डू द वर्क फ्रॉम फॉर द हेल्प ऑफ द
पॉलिटिकल पार्टीज, यानी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेल्प से ये काम करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी पावर में होती है पार्टी, उसके जो मूवमेंट है या उसकी पॉलिसी को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर ग्रुप, इनके पास ये पावर्स होती हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो बजरंग दल है, शिवसेना है, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ना तो ये स्टेट पार्टी है या ना नेशनल पार्टी है, बट इनको पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिला होता है। और अगर कोई डिसीजन हो या इन्हें कोई अपनी बात मनवानी है तो ये क्या करते हैं, बात मनवाने के अलग तरीके, या तो ये जो है डेमोस्ट्रेशन करेंगे, या ये प्रोटेस्ट करेंगे, या जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको प्रेशराइज करेंगे कि हमारी इस डिमांड को पूरा किया जाए। तो इस तरह से ये प्रेशर ग्रुप्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आवर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, स्टे एट होम एंड बी सेफ।